नमस्कार, मैं डॉक्टर एस पी श्रीवास्तव हूँ, शेल्बी हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट। इसके साथ में यूरोपियन सर्टिफाइड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी हूँ मैं। आज हम लंग कैंसर के बारे में बात करेंगे। लंग कैंसर के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है कि ये विश्व में सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है और इससे आज के समय में कोई भी व्यक्ति किसी भी एज ग्रुप का वो पीड़ित हो सकता है। पहले के समय में ऐसा होता था कि 60 साल से 70 साल तक के मरीज आते थे हमारे पास, लेकिन आज के समय में 30 साल, 25 साल, 40 साल ऐसे व्यक्ति भी आ रहे हैं जिनको कि लंग कैंसर है। लंग कैंसर के होने के मुख्य कारण अगर हम देखें तो बीड़ी, सिगरेट का स्मोकिंग करना, इसके साथ में अल्कोहल का सेवन करना, इसके साथ जो लोग ऐसे जगह पे काम करते हैं जहाँ पे कि धुआं बहुत ज़्यादा रहता है या राख ज़्यादा रहती है, जैसे कि एस्बेस्टास फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री, इन लोगों को इस फेफड़े के कैंसर होने की संभावनाएं ज़्यादा है। इसके मुख्य लक्षण जो हैं वो हैं कि सांस लेने में दिक्कत आना, सूखी खांसी आना, खांसी में कभी कभी खून का आना, छाती में दर्द होना, चलने में सांस का फूलना या सीढ़ियाँ चलने पे सांस का फूलना, लेटते समय दिक्कत होना सांस लेने में, ये कुछ इसकी लक्षण हैं। अब जब हमारे पास मरीज आता है तो सबसे पहले हम कुछ जांचें करते हैं जिससे कि हम बीमारी के बारे में पता कर सकें, जैसे कि एक्सरे, सीटी स्कैन या पेट सीटी स्कैन। इसके बाद में हम एक बायोप्सी करते हैं जिसमें कि हम छोटा सा टुकड़ा निकालते हैं ट्यूमर का और उसकी जांच करते हैं, जिससे हमको पता पड़ता है कि इसकी वैरायटी कौन सी है फेफड़े के कैंसर की, एडिनोकार्सिनोमा है या स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है या स्मॉल सेल कार्सिनोमा। इन सभी के बारे में पता करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर वैरायटी के कैंसर का इलाज अलग होता है और उसके ठीक होने की संभावनाएं भी अलग अलग होती हैं। इसके साथ में आज के समय में हम बायोप्सी पे ही नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के द्वारा जीन का असेसमेंट करते हैं, जिसको हम कहते हैं मोलिकुलर स्टडी, और हम ये देख पाते हैं उससे कि किस जीन में बदलाव के कारण ये कैंसर हुआ, जिससे कि हम उस व्यक्ति के लिए उस जीन पे जो दवाई काम करती है उन दवाइयों को दे पाते हैं। जांचें करने के बाद, फाइनल स्टेजिंग करने के बाद हम कैंसर का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। शुरुआती अवस्था में कैंसर, फेफड़े के कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो ऑपरेशन या रेडिएशन थेरेपी होता है, लेकिन जैसे ही ये एडवांस स्टेज में आता है, स्टेज 3 या 4, वहाँ पर मुख्य ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी होता है। तो अगर हम ट्रीटमेंट की विधाओं के बारे में बात करें तो ऑपरेशन, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, ये तीन सभी को पता है, लेकिन आज के समय में कुछ नई टेक्निक और आ गई हैं, जैसे कि टारगेट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। ये जो नई मोडालिटीज़ हैं ट्रीटमेंट की, इनसे फेफड़े के कैंसर के ठीक होने की संभावनाएँ पहले की तुलना में कई गुना ज़्यादा बढ़ गई हैं। ये अभी शुरुआती अवस्था में थोड़ी महंगी होती हैं, लेकिन आने वाले समय में काफ़ी सस्ती हो जाएंगी और हम अपने मरीज़ को एडवांस स्टेज में भी पूरी तरीके से ठीक करके घर भेज पाएंगे।